अभिनेता और बीजेपी सांसद सनी देओल को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार अक्सर गर्म रहता है। अब एक ऐसी खबर वायरल हो रही है जो उनके फैंस को हैरत में डाल सकती है। सोशल मीडिया पर 14 सेकंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है। हो सकता है कि वो वीडियो आप में से कई लोगों ने देखा भी हो, जिसे तीन अलग अलग थंबनेल्स के साथ दुख भरा म्यूजिक जोड़कर बनाया गया है। पहले थंबनेल में सनी देओल की एक तस्वीर है जिस पर कई फूल मालाएं चढ़ी हुई है। इसके साथ ही उनके पिता धर्मेंद्र और सौतेली माँ हेमा मालिनी की तस्वीर है जिसमें वे रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर लिखा है, सनी देओल अब इस दुनिया में नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दूसरे थंबनेल में फूल माला चढ़ी सनी देओल की तस्वीर के साथ अभिनेता अमिताभ बच्चन के किसी अर्थी को कंधा देने की तस्वीर है। ये वीडियो ब्रेकिंग न्यूज के अंदाज में बनाया गया है। तीसरे थंबनेल में भी सनी की फोटो के साथ रोते हुए उनके पिता धर्मेंद्र की तस्वीर है। एक फेसबुक यूजर ने इसे रील के तौर पर शेयर किया है। मेट्रो मुंबई की फैक्ट चेक टीम ने पाया कि सनी देओल सही सलामत है और उनकी मौत की खबर पूरी तरह से गलत है। वो हाल ही में अमेरिका से अपनी पीठ का इलाज करवाकर भारत लौटे हैं और गदर 2 का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमने सनी देओल के बारे में गूगल पर सर्च किया, हमने उनकी मौत से जुड़ी कई खबरें सर्च करने की कोशिश की और कई अलग अलग तरीके की खबरें हमें मिले भी। जब हमने सनी के ट्विटर अकाउंट पर जाकर देखा तो पाया कि उनके हैंडल से 25 अगस्त को ही उनकी आगामी फिल्म चुप के पोस्टर और ट्रेलर को पोस्ट किया गया है। निर्माता निर्देशक आर बाल्की की ये फिल्म 23 सितंबर को रिलीज होगी। इसमें सनी देओल मुख्य भूमिका में रहेंगे। जब हमने पता लगाया तो पता चला कि सनी देओल पूरी तरीके से स्वस्थ है। 24 अगस्त को ही अमेरिका से अपना इलाज करा कर दिल्ली लौटे और 25 अगस्त को फ्लाइट से मुंबई रवाना हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब की गुरदास लोकसभा सीट से सांसद सनी देओल पिछले कुछ वक्त से बीमार जरूर है लेकिन फिट है। 65 साल के सनी देओल की आने वाली फिल्मों में बाप, सूर्या, गदर 2 और अपने 2 जैसी फिल्मों में वो नजर आएंगे, तो ये दावा पूरी तरीके से झूठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।